हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। जैसा कि सामान्य अध्ययन की क्लासेस चल रही हैं जीआईसी के लिए, आश्रम पद्धति के लिए, दोनों के लिए क्लासेस आपके लिए बहुत ही वैलिड रहने वाली है। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ रहना है, पढ़ना है और इस बार अपना सिलेक्शन हर कीमत पर ले लेना, ठीक है ना। और क्या करना है आपको, हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ओके। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे आज हम लोग करने वाले हैं जीआईसी का मॉडल पेपर 4, ठीक है। तो इस पे हम लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, आज 30-40 क्वेश्चन हैं आई थिंक, और इनकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम से भी मिल जाएगी। आपको जो भी चाहिए वो आप कमेंट करिए, आपको कमेंट में हर एक चीज प्रोवाइड कर दी जाएगी जिससे आपका हर एक सेकेंड अच्छे से निकल सके, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें, ओके। अर्थशास्त्र 2020 में नोबल पुरस्कार किसको मिला, पाल और मिलग्राम। वेरी गुड, पाल आ रहा है यहाँ पे तो ये और नहीं है, देख लीजिएगा। रॉबर्ट विल्सन को भी मिला था, इनको भी मिला था, वेरी गुड। हार्वे जेनेटर को नहीं मिला था, कुछ कक्षा के जैसे मिला था, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों, यहाँ पर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है ना। तो आपका ये दोनों सही हो जाएंगे आंसर्स। टेक्निकल टीम ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है आज। अब दिया हुआ है प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी के प्रतिशत में कितना है, प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी के परसेंटेज में कितना है। तो यहाँ पर देखिए 9.1 दिया है, तो अगर हम इसको डालते हैं, इसमें आकर 3 कर लेते हैं, 3.1 कौन सा घाटा है, तो 3.1 आपका घाटा है प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा। ये घाटे वाला आपको क्वेश्चन याद रखना है, इस बार एक क्वेश्चन जरूर इस घाटे वाले से आएगा, ये समझ लीजिए। तो 4.1 क्या है, प्रभावी घाटा है आपका, ये वाला आंसर हो जाएगा। 5.1 आपका राजस्व घाटा दिया हुआ है, 5.1 आपका राजस्व घाटा दिया हुआ है, राजस्व घाटा। और 6.8 ये भी याद रखना है, ये आपको दिया है राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, ठीक है ना। आपको ये तीनों याद रखने हैं, तीनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। भारत का केसर कटोरा किसे कहा जाता है, लद्दाख बिल्कुल नहीं, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल नहीं, देहरादून बिल्कुल नहीं, यूके का है। अम्बोर जिले में किश्तवाड़ गांव में जो है, किश्तवाड़ क्षेत्र में, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में अम्बोर है, वहां पर केसर कटोरा कहा जाता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चौरी चौरा शताब्दी वर्ष महोत्सव में क्या जारी किया गया था, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है वैसे तो ये यहाँ पर डाक टिकट जारी किया गया था, और डाक टिकट के साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इस शताब्दी का ये जो दिया हुआ है, चौरी शताब्दी दिया हुआ है, ये पीएम मोदी जी ने इसकी वर्चुअल मीटिंग करी थी, वर्चुअल उद्घाटन किया था। तो इसमें आपको यही याद रखना है, डाक टिकट जारी करी थी, कर देता हूँ, उसमें आपको याद रखना है डाक टिकट, ओके। नेक्स्ट चलो चलते हैं। आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, आप वहां से पीडीएफ ले लीजिएगा और अपने पास निकाल के रख लीजिएगा और आराम से इसको पढ़ते रहिए। अभी आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया, 2020 हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड कौन संस्था देती है, अरे तो ठीक है, कौन संस्था ने दिया, यहाँ मुझे क्या, ठीक है भाई, दीपू जी बहुत काम बेकार था भाई, समय दिया, ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा एक बार। तो ऑक्सफोर्ड ऑफ अ लैंग्वेज यही देती है, ये गलत है, डिक्शनरी लंदन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज यही मेडल देगी, इसको दिया था, चाहिए बताइए, आत्मनिर्भर को दिया, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भरता, ठीक है। तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए चलिए, ये बताइए चलिए, 1 नवंबर 1950,
1 नवंबर 1950 को हुआ था, या 1 दिसंबर 1950 को हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ था, या 20 जनवरी 1947 को हुआ था। 1 नवंबर 1950 को ये आपका क्या हुआ था, आपका उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। तो आप ये याद रखिए, कुछ बच्चे जो है 24 तारीख को लगा देंगे, 24 तारीख नहीं लगानी है आपको, यही लगाना है। और इसमें और भैया क्वेश्चन क्या बन सकता है, स्थापना दिवस कब है, तो 24 जनवरी को इसका स्थापना दिवस, ये भी आपको याद रखना है। इसका आंसर ये सही है, गठन कब हुआ था, पर स्थापना दिवस, स्थापना दिवस कब मनाते हैं, स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं और 2018 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ज्यादा है, तो 907 ये भी नहीं है, 908.1915 ये भी नहीं है, और 907.951 यही आपका आंसर सही है। ये आपको एक याद रखिए, लिंगानुपात से एक क्वेश्चन जरूर जरूर आएगा आपके एग्जाम, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। तो निम्नलिखित में से, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, उत्तर प्रदेश में, हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, ओके, यहाँ लिखना चाहिए था इनको, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ठीक है। तो कृषि अनुसंधान परिषद ये भी लखनऊ में स्थित है, बीज बीज विकास ये भी है, और पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये एमपी महोबा में स्थित है, ये महोबा में स्थित है, ठीक है, एमपी महोबा में स्थित है, स्थित ये भी आपको याद रखना। फिर राजकीय प्रशिक्षण प्रौद्योगिकरण संस्थान ये भी आपका लखनऊ में स्थित है, ठीक है, मैं आपको सारे के सारे करा दूंगा जिससे आपको सारे के सारे तैयार हो जाए, यही सब एग्जाम में आएगा भैया। लोकतंत्र सूत्रकांक 2020 में शीर्ष देश कौन सा है, शीर्ष देश कौन सा है, प्रॉपर कर देता हूँ क्वेश्चन, तो इसमें कौन सा शीर्ष देश है बताइए, तो इसमें आपका नॉर्वे शीर्ष पर था, 167 देशों ने भाग लिया था, IUE ये इसको प्रचलित करती है, मतलब निकालती है इसका, और इसके आगे भारत की कौन सी रैंक थी ये भी पूछता है आपसे, तो 53वीं रैंक भारत की थी, 53वीं रैंक भारत की थी इसमें, और आपको यही इसमें याद रखना है। इकोनॉमिकल इंस्ट्रक्शंस ऑफ द यूनिट ये आपको ये प्रोवाइड कराती है, ओके। नेक्स्ट हो गया, निम्न में से कौन सी लैंग्वेज झील नहीं है, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज झील ऐसी झीलें होती है जहां पर ये समुद्र किनारे पाई जाती है, तो आप खुद देख लीजिए, बुलिकट बैठे हम लोग करते हैं, लैंग्वेज झील कौन सा है, डल झील नहीं है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तमिलनाडु में वर्षा होने के कारण है बताइए, तो वर्षा होने के कारण है उत्तर पूर्वी मानसून, ये आपका इसमें सही हो जाएगा, देखिए ये आपका इंडिया हो गया, यहाँ से मानसून आता है, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया, यहाँ से जो आता है, यहाँ से मानसून जो आता है वो कौन सा मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, और ये कौन सा है, उत्तर पूर्व, उत्तर से वहाँ जो वापसी वाला मानसून होता है उसी मानसून की वजह से यहाँ पर बरसात होती है, ठीक है, यहाँ पर बरसात होती है, ये आपका ही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग, कौन सी नदी फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा बनाती है, ओडर नदी, ये तो पोलैंड के बीच बनाती है, फ्रांस और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड के बीच बनाती है, और राइन नदी यही है आपके, राइन नदी जो है फ्रांस और इसके बीच में जर्मनी के बीच में सीमा बनाती है, कहाँ पे है, अफ्रीका में, अफ्रीका की नदी है ये भी, अफ्रीका की नदी, ये भी अफ्रीका की नदी, ये भी अफ्रीका की नदी है, और इस नदी से ज्यादा कोयला प्राप्त होता है, विश्व का सबसे ज्यादा कोयला इस नदी से प्राप्त होता है, रूप नदी से मैक्सिमम कोल प्राप्त होता है रूप नदी से, ठीक है, वर्ल्ड का। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, धान में खैरा रोग किस कारण, किस कारक के कारण होता है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा जैविक कारण, बिल्कुल जैविक कारण, ठीक है, अजैविक कारण, और एक और दो दोनों सही, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। चलिए,
जिसमें से आपका हो जाएगा अजैविक कारक, ठीक है, अजैविक कारक आपका हो जाएगा धान का खैरा रोग, अजैविक कारण के कारण होता है। तो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, अग्नाशय की किस कोशिका में इंसुलिन निकलता है, ये हो गया हमारा लैगर्ज आंसर डी, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया डेल्टा, ये हो गया बीटा। अल्फा से हटाई देता है, ठीक है, ये हो गया हमारे लैगर्ज आंसर डी, अल्फा से निकलता है, बीटा से निकलता है, गामा से निकलता है, एक और दो, तो बीटा कोशिका से निकलता है, अरे यार, तो बीटा कोशिका से निकलता है, इसमें जिंक होता है, इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। आपको ये भी याद रखना है जूनियर सुपर टेट की भी आपको क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे एज इट इज। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, जयपुर तो बिल्कुल नहीं, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है, बहुत हल्के ले लो। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, आदिधम पिटक की रचना किसके शासनकाल में हुई थी, बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी है मेरी, तो अजात शत्रु बिल्कुल नहीं, कालाशोक बिल्कुल नहीं, अशोक के काल में हुआ था, अजात शत्रु के टाइम पर पहली बौद्ध संगीति हुई थी, पहली बौद्ध संगीति हुई थी, इसमें सूट पिटक तथा विनय पिटक की रचना होगी, ठीक है, दूसरे विनय की रचना होगी थी, और दूसरी वाली इसमें हुई थी टेक्निकल टीम, मेरे चार्जर बेकार हो गए, चार्जर दे दीजिए आपको। कालाशोक वाले में दिया हुआ है, कालाशोक वाले में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, और इसमें महा पढ़ा देता हूँ, थोड़ा साइकिल लिखा जाएगा, ठीक है, इसमें हुआ था महाशादिक की स्थापना, ठीक है, आपका ये वाला सही हुआ। और कनिष्क में क्या हुआ था बताइए, कनिष्क के शासनकाल में, लीनयान महायान का मामला बिगड़ गया था, मामला बना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पूर्व का हैमर किसे कहा जाता है, पूर्व का हैमर किसे कहते हैं बताइए, पूर्व का हैमर किसे कहा जाता है बताइए, फिरदौसी, अल बरूनी, बाकी और उत्बी, ये बताइए। तो ये राइटर्स दिए हुए हैं, मैं उनके कुछ बताता हूँ आपको बुक्स के नाम, ठीक है, पूर्व का हैमर किसे कहते हैं, पहले तो फिरदौसी को कहते हैं, फिरदौसी की दो तीन बुक्स अच्छी बुक्स हैं, उन बुक्स का नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे शाहनामा बुक लिखी थी, और ये मोहम्मद गोरी के साथ नहीं आया था, ये भी कौन आया था ये पूछता है क्वेश्चन, अलबरूनी की भी बुक्स है, बाहर की भी बुक है, और उत्पी की भी बुक है, बाहर बिहार की और भी, ये लोग बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं आजकल, ठीक है, बिहारी में कौन सा है, इसको कहते हैं पूर्व का पेप्स, पूर्व का पेप्स कहा जाता है, पेप्स कहा जाता है, ठीक है ना। फिर दिया है उत्बी, इससे तो पहले आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, उत्बी हो जाएगा इसमें, और इसका दिया है उत्बी, दर्शी हो जाएगा इसमें, उत्बी का आपका आ जाइए, उत्बी ने दो बुक लिखी थी, किताबुल यामनी, ठीक है ना, यही दोनों बुक लिखी थी, अलबरूनी ने भी दो तीन बुक लिखी थी, अच्छा तो किताबुल हिंद और एक लिखी थी, बिल्कुल लेफ्ट अपने डाउन हो चुका है, तारीख चलते हैं, आधुनिक काल का मनु कौन कहा जाता है, छठवीं अनुसूची, क्वेश्चन गलत है, बना दीजिए पूरा, भूल जाइए आप, लॉरेंज वर्क संबंधित है, तो लॉरेंज वर्क आपका संबंधित है आय की समानता से भी, आय की असमानता से भी, और ये हो गया
मुद्रा स्फीति होती है, मुद्रा स्फीति और संकुचन, दारिद्र्य वक्र से हम ज्ञात करते हैं। ऐसे करके होता ही है, फिर पिच लाइन होती है, ये कभी इधर हो जाएगी कभी इधर हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग इतने पे रुकते हैं क्योंकि बैटरी का थोड़ा इशू है, फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी के आगे से, बाकी के 20 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज ये सब करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो आप प्लीज इन सब के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, यानी तो मैं सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।